हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरनाथ टीचिंग। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने इतना कंप्लीट कर लिया है वेस्टर्न घाट्स। वी हैव कंप्लीटेड अवर हिमालयन माउंटेन चेन, पेनिनसुलर हिल्स, देन अवर वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ द इंडिया। अगर हम बात करते हैं माउंटेनियस पास की, आखिर ये होता क्या? देखो, ऐसा नेचुरल रूट जो क्या कर रहा है, दो जगह को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज द माउंटेनियस पास। अगर हम बात करते हैं जे एंड के में भी बहुत सारे पासेस मिलते हैं, जैसे कि काराकोरम, अघील, खुंजरेव। ये तीन पासेस क्या करते हैं, इट कनेक्ट लद्दाख टू चाइना। क्या करते हैं, इट कनेक्ट लद्दाख टू चाइना। कौन कौन से? काराकोरम, अघील, खुंजरेव। काराकोरम, अघील, खुंजरेव। देन अगर हम बात करते हैं, सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास बुरजिल पास। ये लद्दाख को पीओके से कनेक्ट करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बुरजिल पास कनेक्ट द लद्दाख टू पीओके। देन अगर हम बात करते हैं जो जिला पास की, इट कनेक्ट श्रीनगर टू पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आई रिपीट वंस अगेन, जो जिला पास श्रीनगर टू पीओके। देन बनिहाल आपने सुना होगा, जम्मू टू श्रीनगर को ये कनेक्ट करता है। आई रिपीट इट वंस अगेन, काराकोरम, अघील, कुंजरेव, लद्दाख टू चाइना। बुरजिल पास लद्दाख टू पीओके, दो जिला पास श्रीनगर टू पीओके, बनिहाल जम्मू टू श्रीनगर। ये आगे आपके इम्पोर्टेंट पासेज ऑफ द जे एंड के। देन अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पासेस। उसमें आता है फर्स्ट वन कम्स आउट टू बी द बारा लालचला पास। यहाँ से क्या होता है, हमारे चिनाब रिवर का ओरिजिनेशन भी होता है। चिनाब रिवर यहाँ से निकलती है। ये क्या करता है, लेह को हिमाचल प्रदेश से क्या करता है, ज्वाइन करता है। देन अगर हम बात करते हैं शिप किला पास की, जो शिप किला पास है, इट इज ऑल्सो नाउन एज द गेटवे ऑफ सतलुज रिवर। वेरी फाइन, मतलब कि सतलुज रिवर कहाँ से आ रही है, शिप किला पास से। देन अगर हम बात करते हैं रोहतांग पास, इट कनेक्ट रावी एंड ब्यास। मतलब यहाँ से, सॉरी, रावी और ब्यास का क्या होता है, ओरिजिनेशन। तो कॉपी करो इसे। देन अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आते हैं हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट पासेस, माना पास, नीति पास एंड लिपुलेख पास। ये क्या करता है, दीज थ्री पासेस कनेक्ट तिब्बत टू द उत्तराखंड। देन अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो यहाँ पहले आता है नथुला पास, जो क्या करता है, सिक्किम को ल्हासा से ज्वाइन करता है। ये ऐसा रूट है जो चाइना को बिलोंग करता है, ठीक है। 1962 में जब वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर, तब इसको बंद कर दिया था एंड 2006 में इसको खोला गया है। देन अगर हम बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज योर जलीपला पास। ये क्या करता है, इट कनेक्ट सिक्किम टू द चाइना। कॉपी करो। देखो अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश में आता है हमारे पास यांग याप पास। ये क्या करता है, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। आपको पता होगा आज के टाइम पर जो तिब्बत है वो किसका पार्ट है, चाइना का, आपको पता होगा। देन अगर हम बात करते हैं इसी पास से, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसको हम चाइना में क्या बोलते हैं, सैंग पो, वो हमारे इंडिया में एंटर करते हैं, दैट इज इन द अरुणाचल प्रदेश। देन अगर हम बात करते हैं सेकंड पास इज योर दीपू पास। ये कहाँ पर है, इट इज ऑन द ट्राई पॉइंट, मतलब कुछ हिस्सा चाइना में भी है, इंडिया में भी है और म्यांमार में भी है। एंड इसको म्यांमार और इंडिया में क्या है, ये इट इज डिस्प्यूटेड, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं, टू मोर पास आते हैं जो क्या करते हैं, तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ते हैं। फर्स्ट वन इज फिर बुमला एंड द बोमडिला पास। कॉपी करो इसको। सो
वी आर लेफ्ट विद सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेस, जिसमें से आता है हमारे पास टुजु पास, जो कहाँ पर है, इट इज इन द मणिपुर. अब ये क्या करता है, ये इम्फाल और म्यांमार को ज्वाइन करता है, दैट इज योर टुजु पास. देन हम बात करते हैं महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट पासेस के बारे में. फर्स्ट वन इज योर थल घाट, जो कहाँ पर है महाराष्ट्र में, वो क्या करता है, मुंबई और नासिक को ज्वाइन करता है. बेसिकली जो थल घाट है, इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नाउन एज द कसारा घाट. एक और आता है, दैट इज योर बोर घाट, जो कहाँ पर है महाराष्ट्र में, ये क्या करता है, मुंबई को पुणे से ज्वाइन करता है या फिर जोड़ता है. देन हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पासेस की, जो कहाँ पर है केरला में, जैसे कि पलघाट. ये क्या करता है, ये बेसिकली कहाँ पर है, पल्लक्कड़ में है, जो क्या करेगा, केरला और तमिलनाडु को ज्वाइन करता है. आखिर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इट इज बिटवीन नीलगिरी हिल्स एंड द अनायुमेडी हिल्स इन द केरला. ठीक है, देन हम बात करते हैं सिमकोटा पास, ये करता है केरला और तमिलनाडु को ज्वाइन, जबकि जोड़ता है, और ये किसके बीच में है, नाराकोल एंड द कार्डोमोम के बीच में. सो इट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट माउंटेनियस पास हमने कवर कर दिए हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम अपना स्टार्ट करेंगे प्लेन्स. सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग.